हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपके सामने हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है एडू फ्यूचर। तो आज का जो टॉपिक आप देख रहे होंगे वो टॉपिक होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्पेशली आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। नाउ सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। देखो, इफ वी कंसीडर अबाउट अ प्लांट, अगर हम लोग एक फ्लावरिंग प्लांट को देखते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपको दो डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स, ये दो टाइप के पार्ट्स आपको प्लांट के अंदर मिलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। कहने का मतलब क्या कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको ये दो टाइप के पार्ट्स अवेलेबल हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव पार्ट कहने का मतलब क्या है, इट मीन्स फ्लावर। ये क्या है, फ्लावर है। और क्या है भाई, तो सीड्स है, फ्रूट्स है। दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ इफ वी कंसिडर अबाउट द वेजिटेटिव पार्ट, सो दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स। ये प्लांट पार्ट्स में बेसिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेजिटेटिव एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ वी कंसिडर अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वेजिटेटिव पार्ट, वी हैव फाइंड व्हाट, वी हैव फाइंड रूट, वी हैव फाइंड शूट, लीव्स, बर्ड्स। ओके, सो बर्ड्स मीन्स व्हाट, वेजिटेटिव बर्ड। दिस इज व्हाट, वेजिटेटिव बर्ड्स। तो वेजिटेटिव बर्ड्स मिलेंगे। इफ वी कंसीडर अबाउट द टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव बर्ड्स, तो वेजिटेटिव बर्ड्स में आपको क्या मिलेगा, दो टाइप के बर्ड्स मिलते हैं। एक को मैं बोलता हूं एपिकल बर्ड और एक को मैं बोलता हूं एक्सिलरी बर्ड, है ना। एपेक्स पे जो होता है एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। और एक रिप्रोडक्टिव बर्ड भी होता है, दैट रिप्रोडक्टिव बर्ड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम, मतलब वो फ्लावर और इनफ्लोरसेंस का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये वेजिटेटिव बर्ड जो होगा वो क्या बनाएगा, वो शूट्स का फॉर्मेशन करेगा, वो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। बेसिकली वो शूट का फॉर्मेशन करता है और लीव्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो रूट, शूट, लीव्स, ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। नाउ जैसा कि हम जानते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी, बट अकॉर्डिंग टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, व्हेन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी, वी कैन से दैट व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, जब वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का न्यू प्लांट के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब यही होता है कि जब वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का नया प्लांट बनाना शुरू कर दे, उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। नाउ दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन। The first method is what, natural, and the second method is what, artificial।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है प्लांट के प्रोडक्शन के लिए और प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए। हमारे जनरल लाइफ में इसका बहुत सारा यूजेस है। तो देखिए, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या, प्लांट नेचुरली हैज एबिलिटी टू सिंथेसाइज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट बाय द विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग फैक्टर्स। सराउंडिंग फैक्टर्स के हिसाब से, उसकी वजह से और प्लांट के जो अपने कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं, उस कैरेक्टर के हिसाब से नेचुरली वो नया प्लांट बना सकता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, दैट मीन्स रूट, शूट, लीव्स, बर्ड्स, ये सारे से। ओके, तो चलिए देखते हैं इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग इसको। तो मैं बात करने जा रहा हूं नेचुरल वेजिटेटिव, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमको क्या मिलेगा, मैं सबसे पहले बात करूंगा विद द हेल्प ऑफ रूट। मतलब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होता है, रूट से होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, मतलब द रूट ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। जो प्लांट का रूट होता है ना, वो नया प्लांट बनाता है। इफ वी कंसिडर अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्लांट, तो आपने नाम सुना होगा डेलवर्जिया। डेलवर्जिया किसको बोलते हैं भाई, डेलवर्जिया एक्चुअली में सीसम, सीसम का प्लांट आपने देखा होगा, सीसम का पेड़ आपने देखा होगा। तो सीसम के पेड़ में आपको क्या मिलता है भाई, तो आप देखोगे जो मेन प्लांट है, जैसे मान लो मैं ये बड़ा सा प्लांट होता है सीसम का, तो आप देखोगे उसका जो रूट का सेक्टर होता है, इफ वी कंसीडर अबाउट द सरफेस, ये जो सरफेस है ना, वहां पे अगर मान लीजिए सीसम का पौधा है, तो आप देखोगे इसका जो रूट है ना, आप रूट से देखोगे नया प्लांट डेवलप कर जाएगा। इसका जो रूट से, स्पेशली बरसात वगैरह के सीजन में आप देखोगे, रेनी सीजन में देखोगे कि इसके रूट से नया प्लांट डेवलप करता है। मैं छोटे प्लांट की बात कर रहा हूं, जैसे स्वीट पोटैटो। अगर हम लोग स्वीट पोटैटो में देखते हैं, वहां भी यही मिलेगा आपको। स्वीट पोटैटो में भी क्या होता है, उसका जो रूट सेक्टर होता है, स्वीट पोटैटो का जो रूट सेक्टर होता है, उस रूट सेक्टर से आप देखिएगा क्या, तो नया प्लांट आ जाएगा, न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ शूट, सॉरी रूट है ना, रूट से आ जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, मतलब आपको इसके लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाता है ना। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो हम लोग बात कर सकते हैं गुलदावरी के बारे में, दैट इज क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम गुलदावरी, अगर आप गुलदावरी के पौधे को देखोगे, जिस गमले में गुलदावरी लगा हुआ रहता है, जब गुलदावरी का सीजन खत्म होने लगता है, मतलब जब वो अपने ऑफ सीजन में आता है, तो आप देखोगे क्या कि जो मेन प्लांट उसका होगा ना, जैसे मान लो ये एक फ्लावर पॉट है और इसमें गुलदावरी का प्लांट आपने लगा रखा है, तो जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सूखने लगेगा, उसका ग्रोथ रेट घट जाएगा है ना, जब फ्लावर उसमें आना बंद हो जाएंगे ऑफ सीजन में, एंड न्यू प्लांट गेट डेवलप एट द जस्ट बिसाइड द मेन प्लांट फ्रॉम देयर रूट रीजन। इसके जो रूट रीजन होते हैं ना, उस रूट से देखिए इस तरह से नया प्लांट डेवलप करना शुरू कर जाता है। तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये नेचुरली हो रहा है ना। सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स बाई विच वी कैन से दैट वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस इन प्लांट बाई द हेल्प ऑफ रूट, विद द हेल्प ऑफ रूट। सो द एग्जाम्पल इज वॉट, डेलवर्जिया सीसम, जिसको मैंने एग्जाम्पल दिया। द सेकेंड एग्जाम्पल इज वॉट, स्वीट पोटैटो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, जो कि रूट है जबकि पोटैटो शूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है आपके लिए, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस भी कभी कभी होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम लोग, तो स्वीट पोटैटो जो होता है वो रूट माना जाता है, रूट है माना किया जाता है, रूट है, बट इफ वी कंसिडर अबाउट द पोटैटो इट इज स्टेम है ना। तो स्वीट पोटैटो, उसके बाद बात करते हैं क्राइसेंथेमम का, दैट इज गुलदावरी।
है ना, जब गुलदावरी का फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग सीजन ऑफ हो जाता है तो आप देखोगे मेन प्लांट बॉडी जो गुलदावरी का होगा वो सूख जाएगा और उसके अगल बगल में रूट सेक्टर से नए ब्रांचेज आने शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट्स। ओके नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो स्टेम के बारे में। ये तो हमारा हो गया रूट के बारे में। आपको ये सब एग्जाम्पल याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम के बारे में बात करते हैं। अब देखिए स्टेम को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के स्टेम्स में। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अंडरग्राउंड स्टेम का, है ना, तो अंडरग्राउंड स्टेम का कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, क्रीपिंग स्टेम का कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, एरियल स्टेम का भी कुछ एग्जाम्पल हो सकता है ना। तो अंडरग्राउंड स्टेम सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, देखिए अंडरग्राउंड स्टेम को अगर दिखाया जाए आपको, तो अंडरग्राउंड स्टेम में एग्जाम्पल आता है क्या, राइजोम आता है, कॉर्म आता है। देखिए मैं लिख रहा हूं राइजोम, कॉर्म, बल्ब, है ना, ये सब आता है, ट्यूबर, स्वीट पी, ये जो पोटैटो था ना वो क्या था, इसका एग्जाम्पल था ट्यूबर। ये सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन में राइजोम में क्या आता है भाई, सो द वेरी सिंपल एग्जांपल इज बनाना, टर्मरिक, है ना, आपका जिंजर, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द राइजोम। अगर आप देखोगे इसके जो रूट्स होंगे ना वो, सॉरी स्टेम जो होंगे, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं किसका, तो जिंजर का मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा उसमें कुछ इस टाइप के स्केली स्ट्रक्चर नजर आते हैं, दीज आर द स्केली लीव्स विच अकर इन द प्लांट ऑफ जिंजर, है ना, जिंजर के प्लांट में स्केली लीव्स होता है और फोलियज लीफ ऊपर की तरफ निकलता है, फोलियज लीफ जो होता है वो नया ऊपर की तरफ निकलता है। तो इसमें आप देखोगे क्या, ये न्यू प्लांट बॉडी है, इस तरह से ये न्यू प्लांट बॉडी डेवलप कर जाता है ना, और स्टीम जो है इस तरह से मॉडिफाइड करता है। सो दीज आर वॉट स्केली लीव्स, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, स्केली लीव्स, और इसको बोलते हैं हम लोग फोलिएज लीव्स, जो आप ऊपर देखते हो फोलिएज लीव्स, है ना। तो इसी तरह से आपको बनाना में भी मिलेगा, इसी तरह से जिंजर में भी मिलेगा। तो ये सब क्या है भाई, राइजोम, इस टाइप के जो रूट होते हैं, अंडरग्राउंड रूट होते हैं उसको, सॉरी अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं राइजोम। नाउ कॉर्म, कॉर्म क्या है, कॉर्म का एग्जांपल क्या हो सकता है, दैट इज कोलोकेशिया, सबसे अच्छा एग्जांपल है कोलोकेशिया या फिर कॉर्कस। अब देखो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको स्टेम जो होगा ना वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, ऐसे स्टेम मिलेगा, और इसमें नया प्लांट बॉडी जो होगा, नया प्लांट जो होगा वो इस तरह से डेवलप कर जाता है। दोनों में अंतर है, देखिए इसमें कुछ चेन टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा, लेकिन इसमें एक सिंगल स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बल्ब मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, ट्यूबर टाइप का स्टेम होता है, काफी हैवी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोरिंग फूड मटेरियल्स। तो ये एग्जांपल है किसका, कॉर्न का, कोलोकेशिया और कॉर्कश। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बल्ब, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गार्लिक, बल्ब का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गार्लिक। तो आप गार्लिक में देखते होंगे इस टाइप का गार्लिक होता है ना, कुछ इस टाइप का, एक ही जगह पे सारा रहता है और यहां से देखिए मेन प्लांट बॉडी निकलता है ना, मेन प्लांट बॉडी यहां से निकलता है, यहां से आप देखिएगा मेन प्लांट बॉडी इस तरह से ऐसे ऐसे निकलता है गार्लिक। ओके तो गार्लिक इज व्हाट, बल्ब, ये किसका एग्जाम्पल है, बल्ब का एग्जाम्पल है गार्लिक। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्यूबर, तो इसका मैंने बताया पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है भाई, दीज आर कॉल्ड आई, इसको हम लोग बोलते हैं आई, है ना, और यहीं पे आपको मिलेगा बर्ड, एंड फ्रॉम दिस रीजन यू ऑब्टेन न्यू प्लांट, आपको इस रीजन से क्या मिलेगा, नया प्लांट मिल जाएगा, है ना, इस तरह से न्यू प्लांट डेवलप करता है इस रीजन से, और ये भी नेचुरली ही डेवलप करता है, नेचुरली इस टाइप का प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये हुआ किसके बारे में, अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ क्रीपिंग स्टेम का, देखिए मैं यहां एग्जांपल दे रहा हूं क्रीपिंग स्टेम का, मतलब द स्टेम हॉरिजेंटली रन, ये हॉरिजेंटली रहेगा, है ना, जैसे एग्जांपल क्या है, तो रनर,
किसमें पाया जाता है? ग्रासेस में। आप देखिएगा ग्रासेस में जो स्टेम्स होंगे वो कुछ इस टाइप से आएंगे और न्यू रूट ऐसे डेवलप करेगा और यहाँ से देखिए नया प्लांट डेवलप करता है। ये देखिए रूट, यहाँ से आपको फाइबरस रूट और यहाँ देखिए आप नया प्लांट देखोगे डेवलप करेगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रनर। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड रनर। तो ये क्या है भाई? ये क्रीपिंग स्टेम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रनर। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट? स्टॉलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉलर। देखो स्टॉलर क्या होता है, जनरली स्टॉलर के बारे में बोला जाता है कि जो देखिए स्टेम जो होगा ना वो एक्चुअली में कुछ इस टाइप से जनरेट करेगा। यहां देखिए रूट आ गया, फिर यहां से देखिए स्टेम आ जाएगा, फिर ये रूट आ जाएगा। मतलब स्टेम जो होगा वो थोड़ा सा जो सरफेस है ना, अर्थ का जो सरफेस है, जो सॉइल का सरफेस है, उससे थोड़ा सा एबव रहेगा और यहां आपको मिलेगा क्या? न्यू लीव्स और न्यू प्लांट आपको यहां पे मिलेगा। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो स्ट्रॉबेरी। क्या एग्जाम्पल है? स्ट्रॉबेरी, स्टॉलर है ना। तो इस टाइप का आपको होता है, इसको बोलते हैं स्टॉलर। नाउ द नेक्स्ट इज ऑफसेट। अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं क्या? ऑफसेट। देखिए ऑफसेट जो होता है ये हाइड्रोफाइट्स में देखा गया है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है? इकोर्निया। क्या एग्जाम्पल है? इकोर्निया। अब देखो इकोर्निया जो आप देख रहे हो इसमें आपको क्या मिलता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलकुंभी, जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको, है ना। तो इकोर्निया में आप देखोगे तो मेन प्लांट जो हो रखे, देखिए इस टाइप का स्टेम रहेगा और ये देखिए प्लांट का जो लीव्स है वो ये है। यहाँ पे आपको मिलेगा रूट, फिर इस टाइप से, फिर यहाँ पे देखिए इस टाइप से लीव्स मिलेगा आपको इसमें, और फिर ये रूट। रूट में आपको क्या मिलेगा? रूट में आपको क्या मिलेगा? तो पॉकेट मिलता है जिसको बोलते हैं रूट पॉकेट। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि एक्वेटिक प्लांट है ना तो इसमें मिलेगा रूट पॉकेट। ओके, और ये लीव्स है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है इसका? ये लीव्स है। और इसको हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना स्टेम का, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑफसेट, इसको बोलते हैं ऑफसेट। तो क्रीपिंग स्टीम में हम लोग क्या देख रहे हैं? रनर्स होता है, ग्रासेस अच्छा एग्जाम्पल है, स्टॉलन स्ट्रॉबेरी मैंने बताया थोड़ा सा वो एबव निकलता है अर्थ के सरफेस से और सॉइल के सरफेस से, और नेक्स्ट आपको हो गया ऑक्सिट जो एक्वेटिक प्लांट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इकॉर्निया या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जलकुंभी, वाटर हाइसेंथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एरियल स्टेम भी कह सकते हो आप कुछ कुछ, जैसे कि ये अपोलसिया में होता है, सुगर केन में होता है। इसमें स्टेम का ही मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं जो नेचुरली डेवलप करता है न्यू प्लांट बॉडी में, दैट इज एरियल स्टेम। एरियल स्टेम का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप देखिए। देखिए एरियल स्टेम में मैंने क्या बताया, जैसे अपोलसिया हो गया, शुगर केन हो गया, जैसे सुगर केन। तो सुगर केन में आप देखोगे ये मेन प्लांट बॉडी होता है और देखिएगा यहां से इस तरह से ऐसे ऐसे रूट निकलता है इस तरह से, है ना। तो यहां से भी आप देखोगे न्यू प्लांट जो होगा वो डेवलप कर जाएगा। और अपोलसिया को अगर आप देखिएगा इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना। तो इसका जो एरियल स्टेम है ये मान लो कहीं पे फॉल कर गया, कहीं पे गिर गया और गिर करके क्या हुआ, एक नया प्लांट बॉडी तैयार कर दिया, मतलब एक न्यू प्लांट बॉडी जो होता है वो तैयार कर देता है। तो अपोलसिया में ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका किसका? एरियल स्टेम का। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ लीव्स का, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई लीव्स। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है लीव्स में, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे दैट इज ब्रायोफाइलम। क्या एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइलम। अब देखो ब्रायोफाइलम को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो लीव्स है वो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का लीव्स होता है, थोड़ा सा
फ्लैट टाइप का होता है और थैलस होता है। एंड द ये जो आप देख रहे हो, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, जो नोडल नॉच जो देख रहे हो, लीव्स के जो नॉच होते हैं, उस नॉच में जैसे ही ये लीव्स ओल्ड हो जाएगा ना, तो इसके नॉच में आप देखोगे स्पेशली रेनी सीजन वगैरह में, यहाँ पे आपको न्यू बर्ड्स डेवलप होंगे, यहाँ पे आपको न्यू बर्ड्स आ जाएंगे। ये बर्ड्स है, ये कैसा बर्ड है, दिस इज अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव बर्ड। और ये लीफ क्या होगा, फॉल कर जाएगा अपने सबस्ट्रेटम की जोन में, मतलब जिस सॉइल के रीजन में ये पाया जा रहा है वहां पे ये फॉल कर जाएगा। और फॉल करने के बाद फाइनली क्या होगा, ईच ऑफ द बर्ड्स, जैसे मान लो जैसे ये लीफ जो है वो क्या हो गया भाई, तो ये जिस सॉइल के जोन में पाया जा रहा है वहां पे नीचे आ जाएगा, हैप्पी हो जाएगा ना, जैसे ही वो बर्ड्स उसके ऊपर आएगा तो ये लीफ हैप्पी भी हो जाएगा। और ओल्ड लीव्स में होता है तो इसका मतलब लोअर लीव्स में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टच करेगा स्वाइन को, और जब स्वाइन को टच करेगा तो इसके अंदर जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, दैट रूट गेट डेवलप इनटू, और ये क्या होगा, नया प्लांट जो होगा न्यू प्लांट बॉडी में ये डेवलप कर जाएगा, इस तरह से न्यू प्लांट बॉडी में ये डेवलप कर जाएगा, है ना। तो ये नेचुरली होता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड बिगोनिया, जैसे ब्रायोफाइलम है ना, उसी टाइप का प्लांट पाया जाता है बिगोनिया, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, सेम टाइप का प्रोसेस है। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं लीव्स के बाद हम लोग बल्बिल भी देख सकते हैं, ये भी एक एग्जांपल है इसका, बल्बिल। इसका एग्जांपल क्या है, अगेव लिली, है ना। बल्बिल में आप देखोगे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, और यहां से आपको नया प्लांट मिलना शुरू हो जाता है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, इसको हम लोग बोलते हैं बल्बिल। एग्जाम्पल क्या है, अगेव या फिर लिली, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका, बल्बिल का। तो इस टाइप से हम लोगों ने समझा कि व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच अकर इन प्लांट बाई नेचुरल मेथड, आपको आर्टिफिशियली करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, नया प्लांट बॉडी बनाने में हेल्प करता है। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्लियर है। तो अब हम लोग बात कर लेंगे इसके बाद अगले वीडियो में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पर कंटिन्यूअस बने रहने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए।